चार साल की उम्र में जब सधी सुर निकलने लगे तो लगा कि सुरों की ये महक दूर तक लग जाएगी। सात साल में ऑल इंडिया रेडियो कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आने के बाद प्रियंका ने तय कर लिया था कि अब उसे एक सिंगर ही बनना है और अब ये ख्वाहिश सच में तब्दील हो रही है। कोलकाता की रहने वाली पार्श्व गायिका प्रियंका मुखर्जी ग्वालियर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। हमारे संवाददाता योगेश किसारिया के साथ देखिए उनकी बातचीत के कुछ खास पल। आज हमारे साथ हैं मशहूर सिंगर प्रियंका मुखर्जी। आइए जानते हैं उनसे उनके जीवन परिचय और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ी है, उनसे मिलते हैं। जी म्यूज़िक एक्चुअली हमेशा शौक रहा है और मैं जब चार साल की थी तब से मैंने सीखना चालू किया, लेकिन फिर पढ़ाई भी साथ साथ में होते गई और म्यूज़िक सीखना भी होता गया और अल्टीमेटली फिर इंजीनियरिंग के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे इसी में प्रोफेशनल करियर बनाना है। नहीं, आपने जो चार साल की उम्र से पहला आपने रेडियो में ऑडिशन दिया था? हाँ, वो आई थिंक मैं छः या सात साल की थी और मैं सबसे यंगेस्ट थी और मैं ऑल इंडिया रेडियो में फर्स्ट आई थी। अभी तक मैंने पाँच से छः फिल्मों में गाना गाया है और अभी हाल ही में रिलीज हुआ है प्रारब्ध करके एक वेब सीरीज जो यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप लोग देखिए, उधर सारे गाने मैंने गाए हैं। वो गीता का एडेप्टेशन है, फिर एक पंजाबी फिल्म में गाया है, एक बंगाली फिल्म में गाया है और हिंदी फिल्म तो होता ही रहता है, और जी से मई या जून में एक रिलीज होने वाला है तो वो एक बिग रिलीज होगी। नहीं, हमको ऐसे पता पड़ा है प्राप्त जानकारी के साथ कि आपने जो एक्टर्स लोग होते हैं उनके किन के लिए गाना गाया? एक्टर्स मैंने एक्चुअली मतलब मशहूर एक्टर्स के लिए तो गाया ही है, लेकिन उनके साथ भी गाया है मैंने, मतलब सुनील शेट्टी जी, फिर शिल्पा शेट्टी जी। मेरा एक बार ऐसा भी मौका हुआ था शाहरुख खान सर से मिलने का, तो वो एक बहुत ही एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और कितनी फिल्म आने वाली है? अभी तो फिलहाल ये साल में तो आने ही वाली है, अभी फिलहाल जो बिग रिलीज है वो मई या जून में जी से आने वाली है। अभी आपने लेटेस्ट एक गणेश वंदना गाई है? हाँ, वो एक्चुअली वो एक मेरी खुशनसीबी थी कि जिस दिन गणपति की पूजा थी उसी दिन हमने वो गाना रिकॉर्ड किया था और वो बहुत मतलब लोग को बहुत पसंद आया वो गाना, तो शायद इस साल भी हम लोग कुछ करेंगे गणपति के टाइम। और मुंबई में जैसे कि आप सबको पता है गणपति बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और हम सब वेट करते हैं गणपति जी के लिए, तो हमने सोचा कि हम एक गाना बनाएंगे, लेकिन इतना हमने इतना नहीं सोचा था कि इतना पसंद आएगा लोगों को ऐसा, लेकिन बहुत पसंद आ गया। आपने कितनी भाषाओं में गाना गाया? मेरी एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जो थी वो पंजाबी फिल्म थी, फिर पंजाबी, उर्दू, मराठी, बंगाली, गुजराती, मैं इन भाषाओं में मैं गा सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। जय 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 गणपति गणराज, मंगल भरण करण सुख काज, सर्वप्रथम तुम्हें पूजा है जाता, भोग लड़ूवन का तुमको भाता, जयति जय गणपति, जयति जय गणपति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी आपकी एज कितनी है? जी मैं फिलहाल 24 साल की हूँ। बेसिक रहने वाले कलकत्ता? हाँ, मैं उधर आई वॉज बॉर्न देयर, मेरी पैदाइशी कलकत्ता में हुई थी, उसके बाद 2007 से लेके मैं मुंबई में हूँ। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।